तो ये जो लेक्चर है, ये इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द पाउडर मेथड ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, ये एक्सरे डिफ्रैक्शन सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं बीएससी थर्ड ईयर, एमएससी फाइनल, एमएससी प्रीवियस, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। द कंसेप्ट ऑफ पाउडर हम लोग पहले पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो है ये हम एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि एक्सरे डिफ्रैक्शन एक ऐसा मेथड है जिससे हम क्रिस्टल्स को पहचानते हैं, सॉलिड स्टेट का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट का एनालिसिस करने के, सॉलिड स्टेट ही नहीं बहुत सारे स्टेट्स लिक्विड्स और गैसेस में भी यूज होता है, लेकिन हम लोग उतने उस लेवल पर भी नहीं है। बेसिकली जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है ये एक पैटर्न देता है, एंड दैट पैटर्न इज सिमिलर टू द ह्यूमन फिंगरप्रिंट। ये हमें उस स्ट्रक्चर के बारे में बताता है। ठीक है, तो जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न इज लाइक द ह्यूमन फिंगरप्रिंट। ह्यूमन फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है, उसी तरह से हर एक क्रिस्टल का, हर एक सिस्टम का जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न है दैट इज डिफरेंट, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इंटरनली अलग होता है। हमारे फिंगरप्रिंट भी किसी न कहीं हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर से जो है जुड़े हुए, जैसे डीएनए होता है। सो इट इज सेपरेट फॉर एवरी इंडिविजुअल। ठीक है, इज लाइक ह्यूमन फिंगरप्रिंट, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, हर एक मटेरियल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। सो एक्सरे डिफ्रैक्शन इज डिफरेंट। तो यहाँ पे ये जो पाउडर मेथड है या लाव मेथड है, ये जो डिफरेंट मेथड से दे आर एक्चुअली डिफरेंट मेथड्स टू कैप्चर द डिफ्रैक्टेड एक्सरेज फ्रॉम द मटेरियल। और वो जो डिफ्रैक्टेड एक्सरेज होते हैं वो जैसा पैटर्न बनाते हैं हम उससे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे द पाउडर मेथड, लेकिन उससे पहले यहाँ पे We need to clarify one concept कि पाउडर हम किसे कहें। अगर तुमसे ये पूछा जाए what is a powder, तो जो common man या जो साधारण जो हम लोगों का idea है powder के बारे में, तो हम कहते हैं कि powder जो है कुछ इस प्रकार का है, dust form में, धूल की तरह। ठीक है, ये जो है दिस वन इज ए पाउडर, ये सब जानते हैं इसको को, ये जो है दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन और पिक्चराइजेशन ऑफ द पाउडर। ठीक है, लेकिन और अगर हम क्रिस्टल कहें तो क्रिस्टल हमारा जो है कुछ इस प्रकार का होता है, दिस वन इज ए क्रिस्टल। बड़ा सुंदर सा शेप है इसका, ये एक क्रिस्टल है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास कोई चौक का टुकड़ा है और उसको हम कहें कि ये पाउडर है, तो जाहिर सी बात है सब लोग कहेंगे कि हमारा डेफिनेशन गलत है, ये इंसान पागल है। ठीक है, लेकिन हम पागल नहीं हैं, जो डेफिनेशन हम तुम्हें देंगे यहां पर तुमको समझना होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पाउडर व्हिच इज रिक्वायर्ड, व्हिच इज यूज्ड इन द मटेरियल साइंस या सॉलिड स्टेट फिजिक्स। अगर हम कुछ चौक के टुकड़े लेते हैं और तुम्हारे सामने रख करके कहते हैं दिस वन इज ए पाउडर, यू विल बी सरप्राइज्ड। तो तुम्हें जो है हमारे सेंस पे थोड़ा सा शक होगा कि ये चौक को क्या कह रहे हैं। क्रिस्टल तक की बात तो ठीक थी, अगर हम क्रिस्टल की बात कहें वहां तक तो समझ में आ रहा था ये क्रिस्टल है, ये पाउडर है, बट व्हाट इज दिस, ये तो भाई सॉलिड मटेरियल है, कैसे ये पाउडर है, हाउ कैन यू से दैट चौक इज ए पाउडर।
चौक हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल है, दैट ए पीस ऑफ चौक इज पाउडर, ये कैसे कह सकते हैं, कह सकते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ मटेरियल साइंस, एज ए स्टूडेंट हु हैज लर्न्ड द एक्सरे डिफ्रैक्शन सॉलिड स्टेट। तो पाउडर मटेरियल जो है सॉलिड स्टेट के टर्म्स में, मटेरियल साइंस के टर्म्स में, एक्सरे डिफ्रैक्शन के टर्म्स में नेसेसरीली ऐसा नहीं हो जो पाउडर जैसा, जैसा ये पीला रंग का तुमको दिख रहा है डस्ट जैसा, वही हो, पिसा हुआ हो, ऐसा जरूरी नहीं है। पाउडर मटेरियल ऐसे किसी मटेरियल को कहते हैं जिसके इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारे छोटे छोटे क्रिस्टलाइट्स होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं that are randomly oriented, that is called a powder. Maybe it is in a solid shape, जैसे ये चौक का टुकड़ा है, but internally वो एक powder है. In terms of solid state physics, a powder material that one which has many small crystallites arranged randomly inside it, उसके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे क्रिस्टलाइट्स हैं जो रैंडमली ओरिएंटेड है, रैंडमली जो है अरेंज्ड है, दैट इज कॉल्ड ए पाउडर इन द सेंस ऑफ मटेरियल साइंस या इन द सेंस ऑफ सॉलिड स्टेट, रैंडमली ओरिएंटेड इनसाइड इट, दैट इज ए पाउडर। तो ये जो चौक का टुकड़ा ऊपर से तुमको दिख रहा है, अभी हम बताएंगे कि जब इसका सैंपल प्रिपरेशन करते हैं कैसे ये डेफिनेशन काम आता है। जो चौक का टुकड़ा या किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सॉलिड एक मटेरियल हो, तुमको दिख रहा है कि भाई ये सॉलिड पीस है, मे बी इंटरनली उसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टलाइट्स है जो रैंडमली ओरिएंटेड है। सो फ्रॉम द व्यू ऑफ मटेरियल साइंस, या हम कहें इंटरनली, इट इज ए पाउडर स्ट्रक्चर। उसका जब एक्सरे डिफ्रैक्शन होगा तब वहां पे एक स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, बहुत सारे क्रिस्टलाइट्स मिलेंगे। सिचुएशन कुछ इस तरह का है जो तुमको ऊपर से दिख रहा है। सपोज दिस इज ए पीस ऑफ मटेरियल, ये तुमको ऊपर ऊपर दिख रहा है, इसके अंदर जो है बहुत सारे छोटे छोटे अरेंजमेंट्स है इस तरह के, हम एरोज से दिखा रहे हैं, और ये रैंडमली ओरिएंटेड है। ये जो छोटे छोटे खाने इसके अंदर बने हुए, दीज आर द डिफरेंट रैंडम ओरिएंटेशंस, ये जो छोटे छोटे खाने हैं दे आर द स्मॉल क्रिस्टलाइट्स दैट आर ओरिएंटेड रैंडमली इनसाइड द मटेरियल के अंदर जो है ये रैंडमली ओरिएंटेड है, ठीक है, इसको हम लोग पाउडर कहते हैं। तो ऊपर से दिखने पे तो तुमको ये पूरा दिख रहा है एक सॉलिड पीस है, लेकिन इंटरनली जो है इसमें छोटे छोटे क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट्स है जो कि रैंडमली ओरिएंटेड है। अब इस रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से जो है इसको हम पाउडर कहते हैं। तो हर ऊपर से दिखने वाला सॉलिड ऑब्जेक्ट, एज ए स्टूडेंट ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, यू शुड नॉट डिक्लेयर इट ए सिंगल क्रिस्टल, सिंगल क्रिस्टल्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो अगर इस तरह का हमारा एक स्ट्रक्चर है, या सॉलिड सिंगल क्रिस्टल की हम लोग बाद में बात करेंगे, और इसका हमको एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न देखना, मैंने इस मेथड में हमको व्हाट वी वांट टू नो कि इफ एक्सरेज आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम
ए क्रिस्टल सॉरी फ्रॉम ए पाउडर्ड सैंपल, जो कि ऊपर वाला डेफिनेशन है, पाउडर सैंपल, व्हाट विल बी द पैटर्न, ये पैटर्न किस प्रकार का होगा, या हम ये भी कह सकते हैं इस तरह के सैंपल को हम किस तरह से स्टडी करें यूजिंग एक्सरेज, तो उसका एक मेथड जो है उसको हम लोग कहते हैं पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड। तो नाउ लेट अस कम टू द डिटेल्स ऑफ दिस मेथड, कि ये क्या कह रहा है, क्या होता है इसमें। तो इसमें सबसे पहले जिस चीज की हमें जरूरत होती है, इन एनी डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, इन एनी डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट वी रिक्वायर ए कैमरा, हमको एक कैमरे की जरूरत पड़ती है। अब ये कैमरा जो है तुम्हारा, ये मोबाइल का कैमरा या जो तुम्हारा फोटोग्राफी का कैमरा है वो नहीं होता, क्योंकि ये कैमरा बहुत अंदर तक देख सकता है, मटेरियल को, स्ट्रक्चर को देख सकता है, दैट इज सो इट इज नॉट द मोबाइल कैमरा और द तुम्हारा फोटोग्राफी के लिए जो कैमरा होता है वो नहीं है। यहाँ पे जिस कैमरा को हम यूज करते हैं उसको हम लोग एक्सरे कैमरा बोलते हैं। इस एक्सरे कैमरा में दो मेन चीजें होती है, जो दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आई विल राइट इट, पहले समझ लो। इसमें जो है एक पहले होल्डर होता है जो स्पेसिमेन या तुम्हारे सैंपल को कैरी करता है। इस होल्डर में हम जिस सैंपल को हमको स्टडी करना है एक्सरे डिफ्रैक्शन से उसको लेते हैं, और एक फोटोग्राफिक फिल्म होती है। ये फोटोग्राफिक फिल्म जो है इट कैप्चर्स द डिफ्रैक्टेड एक्सरे बीम। एक समय था जब फोटोग्राफिक फिल्म पे फोटो उठाते थे, फिर उसको डेवलप करते थे, डेवलप करने के बाद फोटो दिखता था, एक नेगेटिव होता था, ये वही प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ पर भी हमको डेवलप करना पड़ता है, डेवलपर के बारे में टेक्निक समझो है एक और वीडियो में बताएंगे। तो इसके जो मेन कॉम्पोनेंट्स होते हैं, द मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एक्सरे कैमरा, यहां पे जो कैमरा यूज होता है इसको हम लोग एक्सरे कैमरा बोलते हैं, आर वन द होल्डर टू होल्ड द सैंपल या स्पेसिमेन, सैंपल वर्ड हम लोग यूज करते हैं, हालांकि इसका भी एक डिटेल डेफिनेशन है, लेकिन अभी तुम इसको समझ सकते हो, जिस मटेरियल को तुमको स्टडी करना है दैट इज द सैंपल, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव दिस फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म दैट कैप्चर्स द एक्सरेज डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सैंपल, सैंपल में से जो एक्सरेज डिफ्रैक्ट हो रहे हैं उसको कैप्चर करने के लिए यूज होता है। ये दो इसके मेन पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है जनरली फोटोग्राफिक जो पाउडर मेथड है, ये तीन प्रकार के होते हैं बेसिकली। जो हम लोग फोटोग्राफिक माने पाउडर सैंपल का जो फोटोग्राफ लेते हैं वो तीन प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है। देयर आर थ्री मेन फोटोग्राफिक पाउडर मेथड्स, फोटोग्राफिक पाउडर मेथड्स। पहला जो है जिसको हम लोग डिटेल्स में यहां पे देखेंगे, इसको हम लोग कहते हैं हॉल डिबाई शेरर मेथड। ये सबसे ज्यादा यूज होता है लैब्स में, प्रैक्टिकल पर्पस में, रिसर्च में। फर्स्ट वन इज हॉल डिबाई शेरर मेथड। दिस वन इज द फर्स्ट मेथड। इसमें क्या होता है कि जो फिल्म है, जो फोटोग्राफिक फिल्म है, ये एक सिलेंडर के सरफेस पे होता है, ठीक है, और स्पेसिमेन जो है वो सिलेंडर के एक्सिस में होता है। ये इसकी खास, ये इसका अरेंजमेंट है। द फिल्म
is on the surface of the cylinder, in the on the surface of a cylinder, and the specimen, yeah, sample is on the axis of the cylinder. Cylinder के axis पे जो है ये specimen होता है और जो cylinder का जो surface है उसके ऊपर हम लोग photographic film रखते हैं. Next जो method है that is called the focusing method. Focusing method. Sorry. तो इसमें जो है फिल्म जिस पर हमको फोटोग्राफ लेना है, सैंपल और एक्सरे सोर्स, ये सभी जो है दे आर केप्ट ऑन ए सर्फेस ऑफ ए सिलेंडर. ठीक है, इसमें तीनों सर्फेस पे रहते हैं सिलेंडर की. द एक्सरे सोर्स द फिल्म एंड द सैंपल are all on the surface of cylinder. ये दूसरा method, focusing method बोलते हैं इसको. Third method is called the pinhole method. Third method is the pinhole method. तो ये जो पिन होल मेथड है इसमें जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है वो सिलेंडर पे नहीं होता, वो फ्लैट होता है एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द एक्सरे बीम. ठीक है, और ये जो है स्पेसिमेन जो सैंपल है हमारा उससे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा जाता है. इन दिस मेथड द फिल्म इज फ्लैट एंड परपेंडिकुलर to the beam. The film is a fixed distance from the specimen. Specimen से जो है ये एक fixed distance पे होता है. ये तीन तरीके हैं. हम लोग यहाँ पे पहले वाले का जो है discussion करेंगे इन डिटेल बिकॉज दैट इज द मोस्ट यूज मेथड्स. तो ये सभी में कॉमन क्या है, जो बेसिक चीज इसमें कॉमन है वो ये है कि जो एक्सरेज है आफ्टर डिफ्रैक्टेड और आफ्टर स्कैटरिंग फ्रॉम द सैंपल, ये सारे डिफ्रैक्टेड बीम्स का अगर हम लोकस ले, लोकस समझते होगे एक पाथ होता है जो एक पर्टिकुलर रिलेशन को एक कंडीशन को फॉलो करता है. अगर हम ये सबका लोकस लेते हैं तो इन दैट सिचुएशन द लोकस ऑफ द डिफ्रैक्टेड बीम्स दे आर कोन्स. कोन्स समझते होगे, कोन्स पढ़े होगे, इस प्रकार का होता है कोन. दिस वन इज ए कोन. ये एंगल जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी वर्टिकल एंगल या कुछ बोलते हैं. द बेसिक प्रोसेस All these methods is that the X-rays after being diffracted from the sample. From the sample, lie on a cone. ये conical structure में lie करते हैं, या हम कह सकते हैं ज्यादा precise अगर हम कहें surface of a cone. एक cone के surface पर ये lie करते हैं. जिस cone का ये जो axis है, this axis, it is the direction of the incident beam. Direction of
बीम, ये इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन है, द एक्सिस ऑफ द कोन, द एक्सिस ऑफ द कोन इज द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम, ये इंसिडेंट बीम का डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे सिर्फ एक ही कोन नहीं होता है, देयर आर मल्टीपल कोन्स। एक एक कोन कुछ बताता है, क्या बताता है इसको समझिए। ये अगर इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन है तो आफ्टर डिफ्रैक्शन ये जो है, जो डिफ्रैक्टेड बीम्स है, दे आर लाइंग ऑन डिफरेंट कोन्स, ठीक है, सॉरी, तो ये जो डिफ्रैक्टेड बीम्स है दे आर लाइंग ऑन डिफरेंट कोन्स। अब ये एक एक कोन बताता क्या है, ये डायग्राम हम फिर से दे रहे हैं। ये जो एक एक कोन है, हमें करना क्या है, एक्सरे डिफ्रैक्शन से हमें सॉलिड जो हमारा मटेरियल है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता करना। स्ट्रक्चर के बारे में पता करने के लिए हमको क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए, हमको स्ट्रक्चर का साइज शेप पता होना चाहिए। साइज शेप पता हम कैसे कर सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन द साइज शेप टाइप ऑफ यूनिट सेल फ्रॉम द पैरामीटर्स। कौन सा पैरामीटर, इंटरप्लेनर स्पेसिंग ए बी सी एच के एल, जो मिलर इंडेक्सेस होते हैं। तो सपोज दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम और इसके अबाउट जो है कई सारे कोन्स फॉर्म हो रहे हैं। सपोज दिस वन इज द कोन, ये एक कोन है जो कि डिफ्रैक्टेड बीम से बना है, ठीक है। उसी प्रकार से मेरे पास मान लो हम यहां पे ये दूसरा कोन है जो कि इससे बड़ा है, दिस वन इज अनदर कोन। तो ये जो सारे कोन्स है ये क्या बता रहे हैं, ईच ऑफ द कोन्स दे डिफाइन ए पर्टिकुलर प्लेन ऑफ एटम्स। और इस प्लेन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम एच के एल से आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो है बेसिकली प्लेन्स ऑफ एटम्स हमको खुली आंखों से नहीं दिखता, एटम्स हमको खुली आंखों से नहीं दिखते, उनका अरेंजमेंट जो जिससे हमारा मटेरियल डिफाइन होता है वो भी हमें नहीं दिखता है। हमें दिखता क्या है, एक पैटर्न दिखता है जो कि एक्सरेज डिफ्रैक्ट होने के बाद बनाते हैं फ्रॉम द मटेरियल, और इस पैटर्न से हम उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट से किसी व्यक्ति को पढ़ते हैं, ठीक है ना। वो ज्योतिषी लोग हाथ देखते हैं ना, हाथ की रेखाएं देखते हैं, वो बताते हैं तुम्हारा इसका स्वभाव ऐसा, भविष्य भूत सब बताने लगते हैं। अब वो कितना सही बताते हैं, वो कौन सा मेथड यूज करते हैं डिफ्रैक्शन की, स्कैटरिंग, आई डोंट नो, बट दिस इज अ सिमिलर प्रोसेस। एक पैटर्न से यू आर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो एक एक जो इसका कोन होता है, दैट कोन डिफाइंस ए पर्टिकुलर सेट ऑफ प्लेन्स और मिलर इंडिसेस। ईच कोन डिफाइंस ए पर्टिकुलर प्लेन ऑफ एटम्स, ए पर्टिकुलर प्लेन of atoms with a fixed value of Miller indices, Miller indices, HKL। तो अगर ये लाल वाला जो है, ये अगर H1 K1 L1 है, तो this one is H2 K2 L2। दो planes को show कर रहा है। अब इन दो प्लेन्स की दूरी हमको निकालनी पड़ेगी, उससे जो है हम बाकी के पैरामीटर्स निकालते हैं, तो देखते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो तीनों प्रोसेसेस इसमें यही होता है। तो हॉल डिबाइशरर मेथड जो है, इसमें क्या करते हैं, एक पतला सा स्ट्रिप लेते हैं फोटोग्राफिक फिल्म का, और इसके ऊपर जो है हमको पैटर्न्स मिलते हैं। इसको हम लोग सिलेंडर के अंदर लगा देते हैं, हम अभी कैमरा इसका दिखा रहे हैं। तो हॉल शेरर जो कैमरा होता है पाउडर फोटोग्राफ के लिए, दिस वन इज द कैमरा, जो सेटअप होता है उसका इस प्रकार का होता है, दिस वन इज द कैमरा पाउडर मेथड के लिए। ये कई सारे लैब्स में होता है जहां पर एक्सरे डिफ्रैक्शन पढ़ाया जाता है, सॉलिड स्टेट पढ़ाया जाता है। तो ये जो डायग्राम है कैमरा
ये एकदम तुम्हारे यूजुअल कैमरा से अलग है। यूज्ड फॉर पाउडर फोटोग्राफी, पाउडर फोटोग्राफी। प्रिंसिपल थोड़ा बहुत एक ही है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं ये नॉर्मल कैमरा जो जिसके जो कैमरा का पिक्चर तुम्हारे दिमाग में बन रहा है उससे एकदम अलग है। इसके कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो हॉल डिवाइस एरर मेथड होता है, इन द हॉल डिवाइस एरर मेथड, डिवाइस एरर मेथड, तो हम लोग जो फोटोग्राफिक फिल्म चिपकाते हैं वो इसके अंदर चिपकाते हैं, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में यहां पे हम लोग फिल्म चिपकाते हैं। ए शॉर्ट या हाँ ए शॉर्ट स्ट्रिप, शॉर्ट माने इतना शॉर्ट नहीं कि आधा हो जाए, ये पूरा कवर होना चाहिए। बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिट भी नहीं होगा। ए शॉर्ट स्ट्रिप ऑफ फिल्म इज अटैच्ड ऑन द इनर सरफेस, इनर सरफेस ऑफ द कैमरा, कैमरा के इसके इनर सरफेस में जो है इसको हम लोग चिपकाते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो हमको पैटर्न मिलता है जिसको हम लोग लाइंस बोलते हैं, ये लाइंस जो है कुछ आर्क्स के फॉर्म में मिलता है। आर्क माने जो है एक सर्कल का पोर्शन। तो फाइनली द पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन द फिल्म आफ्टर डेवलपिंग, ऑन द फिल्म आफ्टर डेवलपिंग, इसको जब हम फाइनल फोटो लेकर के केमिकल से धो के डेवलप कर लेते हैं तो हमारा जो पैटर्न बनता है वो कुछ इस प्रकार का बनता है। जैसे मान लो ये तुम्हारा फिल्म है, ठीक है, यहां पे एक सेंटर है, इस तरह के आर्क्स मिलते हैं, इस टाइप्स ऑफ आर्क्स, इसको हम लोग लाइंस बोलते हैं, बट दे आर जनरली आर्क्स। आर्क्स माने टेढ़ा लाइन। ये आर्क्स बनते कैसे हैं? द आर्क्स आर फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द डिफ्रैक्टेड बीम्स, डिफ्रैक्टेड बीम्स विथ द फिल्म। यहां पे जो फिल्म है उसके डिफरेंट और वो जो एक्सरेज आ रहे हैं उसके इंटरेक्शन से ये तुमको यहां पर पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, बेसिक प्रोसेस इसमें ये होता है। दिस इज द बेसिक प्रोसेस। और ये जो तुम्हारा डायग्राम है, कैमरा जो दिखाया जा रहा है, दिस इज द हल डिवाइस एरर कैमरा। ठीक है, तो बेसिक हमको यहां पर इस तरह के पैटर्न्स दिखते हैं। अब हमको इन्हीं पैटर्न से जो है जो सॉलिड है हमारा उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना होता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक प्रोसेस। तो इसमें जो ये हल डिवाइस एरर कैमरा होता है, इसके जो मेन कंपोनेंट्स, अगर तुमको ये पूछा जाता है एग्जाम में भाई कि इसके मेन कंपोनेंट्स क्या है, तो यू कैन राइट द मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस कैमरा। द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द हॉल डिवाइस एरर, हम HDS लिख रहे हैं, कैमरा आर वन तो इसमें पहला जो कंपोनेंट होता है सिलिंड्रिकल चेंबर जो तुमको दिख रहा है यहां पर, सिलिंड्रिकल चेंबर, और इसके साथ जो है एक कवर लगाया जाता है लाइट, जिसमें ताकि बाहर का लाइट इसके ऊपर ना आए, क्योंकि फोटोग्राफिक फिल्म है। दिस वन इज द कवर विथ लाइट
इट कवर, ये कवर है, दिस वन इज द कवर। एक्सपेरिमेंट के समय इसको जो है इसको उठा करके इसके सामने यहाँ पे लगा देते, बंद कर देते ताकि लाइट ना जाए, लाइट अंदर चला गया तो फिल्म खराब हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोलिमेटर अरेंजमेंट होता है, कोलिमेटर टू प्रोड्यूस ए पैरेलल एक्सरे बीम, पैरेलल एक्सरे बीम, एक एक पैरेलल एक्सरे बीम बनाने के लिए जो है कोलिमेटर होता है। देन यू हैव ए बीम स्टॉपर, ए बीम स्टॉपर, इसका काम क्या होता है, बीम स्टॉपर का काम होता है कि ट्रांसमिटेड बीम जो है, जो सैंपल से बीम निकल के जा रहा है, स्कैटर्ड बीम हमको चाहिए, ट्रांसमिटेड नहीं चाहिए, तो इसको जो है स्टॉप करने का काम होता है। चौथा जो है होल्डर होता है, जो बीचों बीच लगा होता है। हेयर यू हैव द होल्डर, यहां पे हम लोग सैंपल को रखते हैं। तो ये जो है दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉल डिवाइस शेयर कैमरा, ठीक है। अब ये जो कैमरा है, अब इसमें जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं प्रैक्टिकल पर्पस में, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे इसमें जो कैमरा का डायमीटर होता है, दैट डायमीटर इज अबाउट 5 to 20 centimeter, जितना ज्यादा डायमीटर होगा उतना ज्यादा अच्छा रेजोल्यूशन होगा। अब यहाँ पे समझने की बात है कि रेजोल्यूशन से हम क्या समझते हैं, व्हाट इज रेजोल्यूशन। इन जनरल द कैमरा डायमीटर इज फ्रॉम 5 to 20 centimeter, ए लार्जर डायमीटर ऑफ द कैमरा, ए लार्जर डायमीटर ऑफ द कैमरा एंश्योर्स, निश्चित करता है ए बेटर रेजोल्यूशन, ठीक है। ये बेटर रेजोल्यूशन की बात करता है, ये बेटर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। अब हमें समझना ये है कि व्हाट इज द बेटर रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन से हम क्या समझते हैं, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ रेजोल्यूशन इन दिस केस। रेजोल्यूशन हम लोग ऑप्टिक्स में समझते हैं, व्हाट इज रेजोल्यूशन इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल्स, दिस इज द कंसेप्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ये जो है और इसके डिटेल्स हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली इसको अचीव करते हैं, दिस इज अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। तो इसको जो है हम लोग इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे, इसके बाद वाले लेक्चर में समझेंगे, बिकॉज एक बार में सारी चीजें जो है, लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, बोर होने लगते हो, क्योंकि एंटरटेनमेंट चैनल तो है नहीं कि घंटों बैठ के देखोगे। अगर तुम्हें नोट्स की जरूरत है, हैंड रिटन नोट्स की जरूरत है, यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तुमको हैंड रिटन नोट्स और अगर किसी स्टडी मटेरियल की जरूरत है, दैट विल बी प्रोवाइडेड। थैंक यू।